नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। और ये है लेखक हमारे भंवर मेघवंशी जी, जो अपने आप को एक मक्कड़ भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत इनके सरोकार हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और ये जहाँ भी जाते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और मैं देख रही हूँ इनके साथ, इनके जो साथी आए हैं, कोई गोवा से आया है, कोई अंडमान से आया है, तो इनमें एक विशेषता है कि ये जुड़ाव कर लेते हैं सब लोगों को। तो बहुत बहुत स्वागत। और ये किताब बहुत रोचक है। मैं इसके बारे में सबसे पहले चाहूँगी कि जो थोड़े हमारे अलग हटके मीडिया वाले हैं, नवीन जी, आप ही को मैं पहले कहूँगी कि आप बात कीजिए, क्योंकि ये भी पुस्तकों की दुनिया से हैं, ये भी आप आज डिजिटल मीडिया में से हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस किताब पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये किताब आपने 4 दिन पहले भेज दी थी, तो मैं उस समय से पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि पढ़ूंगा, लेकिन ये टलता जा रहा था। फाइनली मैंने इस किताब को कल रात पढ़ना शुरू किया 10 बजे, और सवेरे मैंने 5:30 बजे ख़त्म किया। तो ये मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में ये पहली किताब थी गया, तो ये किताब है, मैंने इसमें बहुत सारा फ्लैग किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको पढ़ा, तो भंवर जी को बहुत बहुत बधाई कि एक शानदार किताब आपने लिखी है, और मीरा जी को बहुत बधाई कि आपने इस किताब को हम लोगों तक पहुंचाया। तो इस किताब में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और जैसा कि शीर्षक है पथिक मैं अरावली का, तो मुझे लगा था कि यात्रा वृत्तांत होगा, जो कि है। तो 25 दिनों तक चले और उसमें क्या क्या देखा अरावली के रास्ते में भंवर जी ने, उसका उन्होंने बहुत शानदार ब्यौरा दिया है। लेकिन जब करीब करीब 25-30 पेज पढ़ा, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये इतिहास है। ये इतिहास के उन मोड़ों से गुजरने जैसा है जहाँ से हमारा इतिहासकार बस केवल छू कर निकल जाता है, तो फिर आपकी अपने आप से मुठभेड़ होती है कि अभी तक जो हम पढ़ते आए या जो हमको बताया जाता रहा है, क्या उसकी सीमा वहीं ख़त्म हो गई जहाँ तक हमने पढ़ा, या फिर उस सीमा का कोई अतिक्रमण एक घुमक्कड़ आदमी भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शुद्ध परंपरा की हैं, बहुत सारी चीज़ें लेखकीय परंपरा की हैं, लेकिन जैसा कि मीरा जी ने कहा कि जिस मानवीय पहलुओं का घुमक्कड़ी में इस्तेमाल किया है भंवर जी ने, वो विलक्षण तो है ही, उससे ज़्यादा वो ज़रूरी है। एक मनुष्य के तौर पर, एक पाठक के तौर पर हम जिन मोड़ों से गुजरते हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें वांछित अवांछित आती हैं, उसका ब्यौरा है ये किताब। तो जैसे इसमें एक जगह इन्होंने, मुझे नहीं पता था कि गांधी के भारत आगमन आने से पहले भी आज़ादी का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, जिसमें 1800 लोगों की जान चली गई, और वो आदिवासी थे जिस भील विद्रोह का जिक्र भंवर जी ने किया है, और ये बात है 1913 की। तो और ये सब इतिहास में हमको नहीं मिलता। हम 1857 के बाद जब चलते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच कर रुकते हैं। तो जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को गायब किया गया है इतिहास से भी, और इतिहास से ज़्यादा साहित्य से भी, वो शातिराना है। तो उस शातिराना कोशिश को भंवर जी ने बेनकाब करने की कोशिश की है। तो भंवर जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और बातचीत होगी तो फिर आप भी कहेंगे कि यहाँ इसको रचने में मुश्किलें क्या क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सुखद संयोग है कि कल भी, परसों भी हम किताब का विमोचन कर रहे थे,
उस किताब का नाम था विदाई दे माँ। वो 12 जो शहीद क्रांतिकारी हुए हैं उनकी माँओं की जीवन है, और उसमें यही बात है कि जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं किया गया या जो इतिहास बदला जा रहा है उसको दर्ज करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों तक सामने रहे। और यही शायद आपने भी किया है, जहाँ आपने एक बहुत चीज़ें कही हैं कि जो कैसे गायब हो जाती हैं, या बी अवेयर से जगह का नाम क्या ब्यावर कैसे हो जाता है, तो बहुत रुचिकर है। और जैसे आप लिखते हैं कि मुझे वो बात बहुत छू गई, इसीलिए मैंने किताब के पीछे ब्लड में डाली है कि एक यात्रा ही नहीं थी केवल, इसमें भूगोल था, इतिहास था, और एक जिसे हम कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया की पूरी खोज निकली इसमें। तो अब मैं जानना चाहूँगी सोपान जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने ये किताब पढ़ी, और आपको आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, आप दोनों को पहले तो एक बढ़िया पुस्तक निकालने के लिए बधाई। इस किताब के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात घूमने की है। हम लोग ज़्यादातर जो यात्राएं करते हैं, हमारी मंजिल तय होती है, हमें कहाँ जाना है ये तय होता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि हमारे निष्कर्ष भी पहले से निकले हुए होते हैं। इसका असर ये होता है कि इंसान अपनी मिट्टी से कुएं का मेंढक है, उसे वही पता लगता है, वही दिखता है जो उसके कुएं में आता है। उसके बाहर देखना ज़्यादातर लोगों के बूते के बाहर होता है। कुछ लोग अपने कुएं से बाहर निकल के दूसरों के कुओं तक जाते हैं, और उससे भी कम लोग कुएं छोड़ के पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। तो हमारे भंवर भाई उन लोगों में से हैं जो अपना कुआं छोड़ के दूसरों का कुआं भी देख लेते हैं, और फिर सब कुएं छोड़ के पहाड़ भी चढ़ लेते हैं। तो इस पुस्तक को देखते हुए पढ़ते हुए पहली चीज़ ये समझ में आई कि चाहे कितनी नाउम्मीदी का माहौल क्यों ना हो, चाहे हमें आसपास से आता हुआ शोर कितना भी पगलाया हुआ ना लगे, अगर एक बार अपना बस्ता बांध के हम लोग घूमने टहलने निकल जाएं, तो दुनिया इतनी बड़ी है कि वो हमें फिर भी कुछ ना कुछ सुंदर, कुछ ना कुछ उपयोगी देती चली जाती है। और ये आपको इस किताब में बार बार मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम की भूमि कहाँ पर है, और आपको वो लोग भी दिखेंगे इस देश के जो कभी गुलाम नहीं बने, लेकिन वो लोग प्रेस विज्ञप्ति लेके हमारे शहरों में नहीं आते। उन लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको उनके परिवेश में जाना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो भंवर भाई ने इस किताब के लिए किया। तारीख 8 को जेएनयू में कार्यक्रम में हम दोनों में भंवर भाई ट्रेन से आए, रास्ते भर में जो चर्चा हुई 3-3.5 घंटा, वो ये यायावरी, घुमक्कड़ी, बेसाटन, इनकी किताब, इनका डी बी वेयर से डी वेयर तक इनकी यात्रा शुरू होती है ईडर की पहाड़ियों से गुजरात में, और वहीं पे विजयनगर तहसील में एक बहुत बड़ा आदिवासी संघर्ष होता है पाल चित्तरिया में, जहां 1921 में 1200 आदिवासी अंग्रेजी और देसी रियासती फौज संयुक्त फौजों से लड़ते हुए शहीद हुए। ईडर से ये चलते हैं इनकी यात्रा, और अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरती चली जाती है जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे प्राचीन मानवता आदिवासियों के विभिन्न समुदाय रहते आए हैं, जिसमें उधर भील भी है, मीणा भी है, ग्रासिया भी है, और दूसरे कथोड़ी है, और टूटू से भी कई नायक नायक राय इस तरह के छोटे छोटे समुदाय भी शामिल हैं।